एशिया के सबसे अमीर कारोबारी रहे गौतम अडानी कैसे एशिया के सबसे अमीर कारोबारी बने, इसकी कहानी तो आपको पता ही होगी। आपको ये भी पता होगा कि हिंडनबर्ग की हाल ही रिपोर्ट ने अडानी की मुसीबतों को बढ़ा दिया था, लेकिन एक रिपोर्ट दिग्गज कारोबारियों के बुरे दिन ले आए तो कारोबारी शायद बचे ही ना। तभी तो अडानी ने वो कर दिखाया जिसने फिर एक बार अडानी ग्रुप को सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल गौतम अडानी ने इसराइल का एक पूरा बंदरगाह खरीद कर सबको हैरानी में डाल दिया है। इस बंदरगाह को हासिल करने का मतलब है सीधे चीन को चुनौती, क्योंकि इसी खाड़ी के निकट हाल ही में एक नया बंदरगाह शुरू हुआ है जिसे चीन की कंपनी शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप चलाती है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मचे बवाल के बीच भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी इसराइल की यात्रा पर थे और इस दौरान उन्होंने इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पोर्ट ऑफ हाइफा को अडानी समूह को सौंप दिया है। नेतन्याहू ने इस सौदे को बड़ा मील का पत्थर बताया। इस मुलाकात के बाद अडानी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अब्राहम समझौता भूमध्य सागर के लॉजिस्टिक्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। साथ ही कहा कि अडानी गेट आउट हाइफा पोर्ट को एक लैंडमार्क में बदलने के लिए तैयार है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाइफा बंदरगाह के सौदे को लेकर कहा कि इससे दोनों देशों के बीच संपर्क में सुधार होगा। हाइफा का बंदरगाह शिपिंग कंटेनर्स के मामले में इसराइल में दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। नेतन्याहू ने ये बात पोर्ट बुक पर हस्ताक्षर करने के बाद कही। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। पहले विश्व युद्ध के दौरान बहादुर भारतीय सैनिकों ने हाइफा शहर को आजाद करने में मदद की थी। अपने अच्छे दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, परिवहन जैसे हवाई मार्गों और समुद्री मार्गों के बारे में गहन चर्चा हुई है। इसकी बदौलत आज ये सब मुमकिन हो सका है। उन्होंने कहा कि आज जो हो रहा है उसका ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो शांति के लिए बड़ा कदम है। गौतम अडानी की एक कंपनी अडानी पोर्ट्स पहले ही भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह ऑपरेटर है। अब अडानी पोर्ट्स का दायरा देश की सीमा से बाहर निकल गया है। गौतम अडानी की कंपनी इसराइल के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक हाइफा पोर्ट को करीब 9,500 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डील के तहत अडानी पोर्ट्स के पास इस बंदरगाह में 70% हिस्सेदारी रहेगी। वहीं स्थानीय कंपनी हाइफा के पास बाकी की 30% हिस्सेदारी होगी। इस बंदरगाह का मालिकाना हक मिलने के बाद अडानी की टक्कर सीधे चीन से होगी। इसी खाड़ी के पास हाल ही में एक नया बंदरगाह शुरू हुआ था जिसे चीन की कंपनी शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।